एमपी कैबिनेट में शिवराज के करीबियों से किनारा, क्या सिंधिया समर्थकों पर लगाया गया दांव, क्या है एमपी कैबिनेट विस्तार का सियासी संदेश। एमपी में मोहन राज के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, अब 28 मंत्रियों के साथ मोहन यादव एमपी की सरकार चलाएंगे। मोहन यादव कैबिनेट के मंत्रियों में जिन 28 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 12 ओबीसी, 7 सामान्य और 9 एससी एसटी वर्ग के हैं। वहीं मोहन यादव खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। कुल मिलाकर एमपी के इस कैबिनेट में 13 ओबीसी वर्ग के अब मंत्री हो चुके हैं, यानी मोहन कैबिनेट में ओबीसी वर्ग का दबदबा हो गया है। वहीं एक बात और है कि इस कैबिनेट में शिवराज के करीबियों को दरकिनार करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। क्योंकि मोहन कैबिनेट में शिवराज पक्ष को दरकिनार किया गया है तो वहीं सिंधिया का दबदबा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंधिया के 4 करीबियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से 2 शिवराज सरकार के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सिंधिया के करीबी होने की वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया है। मोहन कैबिनेट में शिवराज सरकार में मंत्री रहे कई बड़े चेहरों को जगह नहीं मिली है, जिनमें भूपेंद्र सिंह जैसे नेता का भी नाम शामिल है। सवाल ये है कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? क्या बीजेपी आला कमानों ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातिवाद वाला कार्ड एमपी में खेला है? क्योंकि 12 ओबीसी के मंत्रियों का होना एक बड़ा संदेश दे रहा है। वहीं सामान्य वर्ग के मंत्रियों का कम होना काफी कुछ इशारा कर रहा है। शुरू करते हैं गोपाल भार्गव से। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में मंत्री थे। इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद ही ये संदेश मिल गया था कि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह भी शिवराज सरकार में मंत्री थे। पिछली सरकार में उनकी ढेर सारी शिकायतें उनकी ही पार्टी के विधायकों ने आलाकमान तक पहुंचाई थी। वहीं पन्ना से विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह भी शिवराज सरकार में मंत्री थे। पिछली सरकार में उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपने मंत्रियों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया था। वहीं उषा ठाकुर को भी यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वो भी शिवराज की करीबी मानी जाती हैं। उन पर भी आरोप है कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति करती हैं। ऐसे ही कई और भी चेहरे हैं जो शिवराज के करीबी हैं और उनके नाम मोहन कैबिनेट में नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि मोहन कैबिनेट के विस्तार के पीछे लोकसभा चुनाव है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि एमपी में ओबीसी वर्ग के वोटर्स का झुकाव जिस तरफ रहता है जीत का सेहरा उसी के सिर बनता है। साथ ही सिंधिया भी एक फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया ने विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सिंधिया के समर्थकों का ख्याल रखा गया है। ऐसे में मोहन कैबिनेट के तहत लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश मानी तो जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।